रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको कैसे करेंगे? प्रोसीजर तो सेम है, बस इसमें एक रूट स्क्वेयर रूट वाली टर्म आ गई। अभी हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को, कांस्टेंट टर्म को और एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को, दोनों को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। रूट टू इंटू 5 रूट टू इक्वल्स टू व्हाट वी गेट, 5 रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 10। हमें 10 चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, और प्लस माइनस करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस 7x। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, थिंक अबाउट इट। ओके, ये देखो, 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7, एंड 5 इंटू 2 इक्वल्स टू पॉजिटिव 10, राइट। ये भी पॉजिटिव 7 आ रहा है, ये भी पॉजिटिव 10, सो वी कैन स्प्लिट मिडिल टर्म बाय 5 एंड 2। रूट टू एक्स स्क्वेयर प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 5x प्लस 2x प्लस ये कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज लिखी जाती है। तो अभी हमें ये दो दो के पेयर्स बनाने हैं, और इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकालना है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, दैट्स इट। यहाँ पर रूट टू अंदर ही रह गया, ये एक्स स्क्वेयर था, एक एक्स बाहर, तो एक अंदर, प्लस एक्स बाहर आ गया, तो अकेला 5 बचा। प्लस अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे तुम, यहाँ से भी कुछ कॉमन, कई बार नहीं भी होता, बट ये ऐसा है, अगर इसमें से हम कुछ कॉमन नहीं लेते तो ये इसके इक्वल नहीं होता। मैंने बोला था ना, ये दोनों ब्रैकेट्स भी सेम होनी चाहिए। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सोचा जाओ तो ये 2 ही है, 2 ही है जिसे हम कॉमन ले सकते हैं, बट यहाँ पर 2 स्क्वेयर रूट के अंदर है, यहाँ पर विदाउट स्क्वेयर रूट है। तो हम क्या करेंगे, हमें सेम टर्म चाहिए ना कॉमन निकालने के लिए। अगर हम इस 2 को स्क्वेयर रूट के अंदर डाल दें और साथ में इसी स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर कर दें, तो इसे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो अभी भी 2 ही है। ये देखो, हमारे पास 2 है, इसका मैंने स्क्वेयर रूट किया और स्क्वेयर भी लगा दिया, तो ये अभी भी तो 2 ही है, इसे इसकी वैल्यू थोड़ी ना चेंज हुई, बिकॉज स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा, ये फिर से 2 बन जाएगा। तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसका स्क्वेयर रूट और उसका स्क्वेयर, ऐसे हम लिख सकते हैं 2 को। ओके, तो यहाँ पर भी हमने ऐसे किया, हमारे पास 2 था, उसका स्क्वेयर रूट लगाकर स्क्वेयर कर दिया। किया क्यों, क्योंकि अभी देखो ये 2 सेम सेम हो गए ना, दोनों ऐसे 2 हैं जो स्क्वेयर रूट के अंदर हैं, तो अब हम इसे कॉमन ले सकते हैं। स्क्वेयर रूट को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर है ना, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया, साथ में एक्स, प्लस यहाँ पर अकेला 5, क्योंकि स्क्वेयर रूट बाहर आ गया, इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये ब्रैकेट सेम है ना, अभी हम इन्हें एक बार लिखेंगे, स्क्वेयर रूट 2 प्लस एक्स प्लस 5, तो बाकी क्या बचा, एक्स प्लस स्क्वेयर रूट 2 इक्वल टू 0। तो अभी हम स्क्वेयर रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस स्क्वेयर रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ये प्लस का 5 दूसरी साइड जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, और ये स्क्वेयर रूट डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू माइनस स्क्वेयर रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा। तो एक्स के दो रूट से, एक तो माइनस स्क्वेयर रूट 2 और एक माइनस 5 ओवर स्क्वेयर रूट 2।